तो भाई देख सकते हो ये है एकदम मस्त लग रहा है ना, कितना अच्छा कितना प्यारा लग रहा है ये इंडिया का झंडा, वो भी बीच में। तो भाई आप लोग बताना, आप लोग अभी यहाँ पर रहते हैं और इस तरह रोड खाली मिलता, हाथ में बाइक रहता तो आप लोग क्या करते? सॉरी, गूगल मैप ने बताया कि मैं गलत रास्ता जा रहा हूँ भाई। ये कल्याणी का जो है ना इंडस्ट्रियल पार्क, पहाड़ में ही मेन गेट लगा हुआ था बाकी। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आखिर वो दिन आ ही गया गाइज, मतलब कि जहाँ मैं सोच रहा था बार बार जाने के लिए कि मतलब जाऊँगा, और वो जगह भाई है वनगांव। तो मैं पहले भी बोला था कि वनगांव जाने का प्लान चल रहा है मेरा, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि कल मैं नहीं जा सका था। आज भी मैं जो है सोचा था कि एकदम सुबह सुबह ही निकलूँगा, एकदम सुबह सुबह निकल जाता, पर क्या बताऊँ गाइज, मतलब सुबह सुबह जगह नहीं और सुबह सुबह निकल नहीं पाया तो गया नहीं। अभी लगभग बज रहे हैं, लगभग 8:30 बजने चला है और अभी मैं निकलने वाला हूँ। और एक बात और गाइस, मतलब मैं बता दूं कि बनगांव जो है जहाँ मैं जा रहा हूँ वो हमारे शहर से लगभग लगभग 65 किलोमीटर दूर है। और साथ में बात करूँ तो मतलब वहाँ बनगांव जो है एक दुर्गा पूजा के लिए तो फेमस है ही, साथ में दुर्गा पूजा के साथ साथ जो है वहाँ मतलब क्या बोलते हैं, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर भी है। तो मैं कोशिश करूँगा भाई बॉर्डर पर भी जाने का, यदि मतलब टाइम मिलता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो बॉर्डर पर भी चलेंगे और देखेंगे भाई वहाँ का बॉर्डर कैसा है। मतलब फर्स्ट टाइम पे बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जाने वाला हूँ। तो ठीक है, अभी निकलता हूँ भाई। ऐसे रास्ता तो बताएगा भाई, गूगल मैप के अनुसार चलना पड़ेगा क्योंकि मैं मैप से बढ़ करके नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। देखते हैं कितना देर में पहुँचते भाई, अभी तो 8:50 हो रहा है। सोचो भाई, सोचा था 4 से 5 बजे के बीच सुबह मैं निकलूँगा और अभी 8:50 हो रहा है भाई। वाह वाह यार वाह, क्या कर रहा था। हाँ बता दो, मार दो। ये देख सकते हो गाइस क्या है, ए बी मयूरी, शायद ये मिल्क का है, अच्छा सॉरी हेल्थ केयर है, फर्स्ट एड कुछ इस तरह लिखा हुआ। मुझे लगा भाई दूध का फैक्ट्री आ गया क्या भाई। ये कहाँ इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब इंडस्ट्रियल पार्क है ये कल्याणी का जो है ना इंडस्ट्रियल पार्क, पहाड़ में ही मेन गेट लगा हुआ था बाकी। इधर किधर बोला मुझे जाने के लिए भाई, ये सब तो मतलब गूगल मैप भी मुझे परेशान कर देगा। शायद इधर तो मैं वापस पहुँच जाऊँगा भाई। सॉरी, गूगल मैप ने बताया कि मैं गलत रास्ता जा रहा हूँ भाई। ये रास्ता सही है शायद। तो भाई अभी आ गया हूँ NH पर और 6 किलोमीटर जो है मुझे इसी रूट पे से चलते रहना होगा। तो भाई यहाँ से 6 किलोमीटर तक बिना रुके यो 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 चलना होगा भाई। तो करते हैं मज़ा भाई साहब, यो यो यो। खाली मिलता हाथ में बाइक रहता तो आप लोग क्या करते, क्या इंजॉय करते, या फिर ऐसे भाई पेट्रोल पंप मिल गया ऐसे मैं 500 का पहले ही भरवा चुका हूँ लगभग 5 लीटर, अभी जब ज़रूरत पड़ेगा तो फिर मैं भरवाऊँगा, पर फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये देख सकते हो, ये है कल्याणी एम्स, और कल्याणी एम्स होते हुए ये रास्ता जाता है भाई। देख सकते हो कितना बड़ा है कल्याणी एम्स, मैं पहले भी आ चुका हूँ एक बार यहाँ पर, और भाई कल्याणी एम्स के वजह से देख सकते हो ये रोड पर जो है इतना बड़ा बड़ा जो मतलब फ्लैट वगैरह हाईवे पर, ऐसे हाईवे का तो वैल्यू रहता ही है भाई। पर एम्स अभी खुला हुआ है, देख सकते हो भीड़ भी है। अरे भाई किधर से साइरन बज रहा था, देखो भाई बोर्ड, बेरहमपुर कृष्णा नगर बारासात कोलकाता, बारासात और कोलकाता जो है राइट साइड में है और इधर बेरहमपुर कृष्णा। तो ये नेशनल हाईवे 12 है भाई, कैसा है नेशनल हाईवे 12, इधर ही मुझे जाना है। और आई डोंट नो अभी कितना किलोमीटर आगे जाना है, और तो भाई मुझे लगता है सफ़र जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ क्या है ना कि मतलब पुराना रोड तो है नहीं, पुराना जगह तो है नहीं, सब कुछ थोड़ा न्यू देखने के लिए मिल रहा है। तो थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं जो है अच्छा लग रहा है देखने में, इतना
हैं, सब कुछ न्यू न्यू नज़र जब आता है तो भाई कुछ तो अच्छा लगेगा ही भाई। फिर से एक बार देखो भाई क्या मस्त शायद हो सकता है गिट्टी या छर्री कुछ हो, पता नहीं चल रहा भाई। दोस्तों तो रेत जैसा लग रहा है, रेत 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 तो भाई देख सकते हो ये है, एकदम मस्त लग रहा है ना, कितना अच्छा कितना प्यारा लग रहा है। ये इंडिया का झंडा वो भी बीच में मतलब लगा हुआ है, RTUI कोई कंपनी की तरफ से लगाया गया पता नहीं। पेट्रोल पंप भाई देखो यहाँ है, पेट्रोल पंप बन रहा हूँ 21 किलोमीटर, पेट्रोल पंप 21 किलोमीटर आधा से ज़्यादा सफ़र जो है पूरा हो चुका है। और भाई आधा से सफ़र पूरा यानी कि 31 किलोमीटर एंड 36 किलोमीटर, बनगांव जो है यहाँ से 31 किलोमीटर एंड पेट्रोपोल जो है वो 36 किलोमीटर है। तो बनगांव पहले चलेंगे, वहाँ फिर दुर्गा पूजा वगैरह देखेंगे, पंडाल वगैरह देखेंगे, जो भी अच्छा अच्छा मुझे नज़र आएगा या पता नहीं चलने से मैं किसी से पूछ करके भी देखूँगा। और उसके बाद फिर जो है चलेंगे पेट्रोपोल, क्योंकि पेट्रोपोल जो है ऐसे भी मुझे शाम में जाना है, लगभग 4 बजे तक मुझे पहुँचना होगा वहाँ। तो अभी फ़िलहाल जो है यहाँ से लगभग ये रोड बोला है 10 किलोमीटर शायद जाने के लिए। तो भाई मतलब क्या था कि उतना देर से बोल नहीं रहा था मोबाइल कुछ भी, ये गूगल मैप कुछ बता नहीं रहा था, मुझे अजीब लग रहा था कि भाई ऐसा तो नहीं रास्ता भूल तो नहीं गए, कहीं और तो नहीं पहुँच जाएंगे। और भाई ये रोड अभी ये रोड 19 किलोमीटर यानी 19 किलोमीटर जो है मतलब 21 किलोमीटर बचा हुआ ही है, जिसमें कि 19 किलोमीटर जो है सिर्फ यही रोड जाएगा। ये रोड 19 किलोमीटर, पहले एक रोड 6 किलोमीटर लगातार था, फिर 10 किलोमीटर था, उसके बाद फिर ये 19 किलोमीटर हो गया। तो भाई मतलब कि लंबा लंबा रूट है, पर ये जैसे होता है ना कि एक हाईवे भाई की हाईवे वैसा होता है कि एकदम खाली खाली रहता है, जैसे कहीं कहीं बीच बीच में तो वैसा आ रहा था स्टार्टिंग में, पर इधर आने के बाद तो पूरा मतलब क्या बोलते हैं ना कि मतलब ऐसा लगता है घर हो, पूरा शहर टाइप का हो, मतलब कहीं खाली नहीं मिलता है, मतलब एक अलग सा फील नहीं होगा कि इस एरिया में कुछ भी नहीं है।